सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को सीलबंद लिफाफे में महिला पहलवानों के वकील ने क्या सौंपा? क्या बढ़ेगी ब्रिजभूषण सिंह की परेशानी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच, जो कि WFI या भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उनसे महिला पहलवानों की ओर से पेश हुए वकील ने एक खास अनुमति मांगी। उन्होंने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ से इस मामले में कुछ दस्तावेजों को सीलबंद लिफाफे में देने की मंजूरी मांगी। इसके पीछे तर्क देते हुए महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि ये मामला क्योंकि महिला पहलवानों से की गई छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है, ऐसे में उसे सार्वजनिक डोमेन में रखना ठीक नहीं होगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी सहमति जताते हुए उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब इस मामले की जांच पहले से ही जारी है तो इस तरह के दस्तावेज महिला पहलवानों के वकील जांच एजेंसी को क्यों नहीं दे देते। उन्होंने कहा कि इसे अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उपलब्ध करवाया जाए तो जांच तेजी से आगे बढ़ सकेगी। SG तुषार मेहता ने कहा कि आखिर ऐसा करने में हर्ज ही क्या है। सॉलिसिटर जनरल के इस सवाल पर महिला पहलवानों के वकील ने कहा कि आपका कहना ठीक हो सकता है, लेकिन इस पर वे बहस बाद में करना चाहेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले मंगलवार को पहलवानों की उस याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था, जिसमें WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इंडिया को दुनिया में रिप्रेजेंट करने वाले पहलवानों की याचिका में गंभीर आरोप हैं। इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि जो शिकायतें सीलबंद लिफाफे में दी जा रही थीं, उन्हें फिर से सील कर याचिका के तहत रखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि इस याचिका के उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं की पहचान को संशोधित किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि इस बीच इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष PT उषा भी जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों से मिलने के लिए पहुंची थी। इन्होंने ही कुछ दिन पहले पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता बताया था। आपको बता दें कि इस मामले में WFI चीफ ब्रिजभूषण शरण सिंह का आरोप है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि जिस तरह के आरोप उनके पीछे लगाए जा रहे हैं और पिछले 10 सालों का जिस तरह से हवाला दिया जा रहा है, उसे लेकर इनका कहना था कि कहीं ना कहीं ये बातें उनके खिलाफ बनाई जा रही हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से अगर ऐसा वाकई था तो फिर खिलाड़ी इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए थे। इसे लेकर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा था कि हो सकता है कि इन सब के पीछे कोई बड़ा व्यक्ति हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन भी हो सकता है, जो इन प्रदर्शनकारी पहलवानों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी खुद कपिल सिब्बल कर रहे हैं और कपिल सिब्बल की फीस लाखों रुपए है। ऐसे में ब्रिजभूषण शरण सिंह को शक है कि कहीं ना कहीं धरने पर बैठे पहलवानों को मोटा पैसा किसी और सोर्स से मिल रहा होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।